अफ्रीका में रहने वाले लोग काले रंग के होते हैं और इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका जैसे देशों के लोग गोरे रंग के होते हैं। उसी तरह ही भारत में नॉर्थ के लोग ज्यादातर गोरे होते हैं और साउथ के लोगों का रंग काला होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों एक इलाके के मूल निवासियों का रंग एक जैसा हो जाता है और रंग काला या गोरा होने के पीछे असल वजह क्या होती है। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। हमारी चमड़ी का रंग मेलानिन नामी एक पिगमेंट से तय होता है। अगर चमड़ी में मेलानिन की मात्रा कम हो तो हमारा रंग गोरा होगा और अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो तो हमारा रंग काला होगा। लेकिन मेलानिन का असल काम रंग गोरा या काला दिखाना नहीं, बल्कि हमें सूरज की हानिकारक यूवी किरणों से बचाना होता है। इसीलिए धरती के जिस जिस इलाके में सूरज की यूवी किरणें ज्यादा होती हैं, वहां के लोगों का रंग कुदरती तौर पर ही काला होने लगता है, क्योंकि उनका शरीर मेलानिन को ज्यादा मात्रा में बनाने लगता है ताकि यूवी किरणों के हानिकारक प्रभावों से चमड़ी को बचाया जा सके। और जहां यूवी किरणों का प्रकोप कम होता है, वहां के लोगों का रंग गोरा होता है, क्योंकि उनकी चमड़ी को यूवी किरणों से कम खतरा होता है, जिस कारण उनका शरीर कम मेलानिन पैदा करता है। धरती पर सबसे ज्यादा गर्मी इक्वेटर और उसके आसपास यानी कि धरती के बीच वाले हिस्से पर होती है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें ज्यादा तेज, ज्यादा गर्म और ज्यादा देर तक पड़ती हैं। इसीलिए इक्वेटर और उसके आसपास वाले देश जैसे कि कीनिया, सोमालिया, युगांडा, कोंगो वगैरह के लोगों के शरीर ज्यादा मेलानिन पैदा करते हैं ताकि उन्हें यूवी किरणों से बचाया जा सके, इसीलिए उनका रंग काला दिखाई देने लगता है। दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका इक्वेटर से दूर हैं, जिस कारण वहां गर्मी के साथ ही यूवी किरणों का प्रकोप भी कम होता है, इसलिए वहां के लोग गोरे होते हैं क्योंकि उनके शरीर मेलानिन कम पैदा करते हैं। और रही बात साउथ और नॉर्थ इंडिया की, तो यहां भी रंग का फर्क सूरज की गर्मी और यूवी किरणों के कारण ही होता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के मुकाबले साउथ इंडिया इक्वेटर के ज्यादा करीब है, जिस कारण साउथ में गर्मी और यूवी किरणों का ज्यादा प्रकोप रहता है। इसके अलावा इंसान का रंग उसके परिवार के रंग के हिसाब से और इस बात से भी तय होता है कि वो रोजाना धूप में कितना काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो जलवायु के हिसाब से खुद को ढालने के कारण ही किसी का शरीर काला या फिर गोरा होता है। इसलिए रंग के हिसाब से किसी को अच्छा बुरा कहना या फिर भेदभाव करना बिल्कुल गलत बात है। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।